अगर ये कुत्ता न होता तो लैंडस्लाइड में पूरा परिवार घर समेत दब गया होता। केरल में बारिश ने भयानक कोहरा मचा रखा है, पूरा राज्य पानी पानी हो गया है। अब तक 37 लोगों की मौत और करीब 54,000 लोगों के बेघर होने की खबरें भी आ चुकी हैं। मगर इस भयावहता के बीच कुछ राहत देने वाली खबरें भी आ रही हैं। 11 अगस्त को ही एक रेस्क्यू मेंबर का वीडियो आया जिसमें वो एक बच्चे को उठाकर पुल से भागता है और पुल पार करते ही वो डह जाता है। ऐसा ही एक मामला अब आया है इडुक्की से। यहाँ एक कुत्ते की वजह से एक परिवार की जान बच गई, वरना पूरा परिवार लैंडस्लाइड का शिकार हो गया होता। दरअसल हुआ यूं कि इडुक्की के ही कमजिकुझी गांव में मोहनन पी और उनकी फैमिली सो रही थी। रात के 3 बजे थे कि उनका कुत्ता रॉकी भौंकने लगा। मोहनन की आंख खुली मगर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो अक्सर इस वक्त भौंकता है। मगर फिर कुत्ता और जोर जोर से भौंकने लगा। इस पर मोहनन उठे और बाहर जाके देखा तो उनको तुरंत पूरे परिवार को लेकर सड़क की तरफ भागना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि सामने से इस कदर लैंडस्लाइड के चलते भारी मलबा आ रहा था कि जैसे ही वो लोग बाहर निकले पूरा घर तबाह हो गया, बह गया। जगह जगह लगे हैं राहत कैंप। एनडी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर हालांकि एक वृद्ध दंपत्ति भी रहते थे जिन्हें नहीं बचाया जा सका। ये परिवार कुछ दिन पहले ही इस किराए के घर में रहने आया था क्योंकि उनका खुद का घर पेरियार नदी के किनारे था और वहां खतरा होने के कारण उन्हें प्रशासन ने घर खाली करने को कहा था। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां इस वक्त केरल में है। लोग इस वक्त जिस प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सरकार की तरफ से किए जा रहे इंतजाम भी इस आपदा को झेलने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं।